हर बार की तरह वही गल, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। अरे मैनू पता है तू है ना अपने बेस्ट फ्रेंड का ही साइड थी, लेकिन इस बार मेरी भी बात सुन ले। एक बात बता, मनोहर सन्ना के बेटे से चंगा मैच इसे मिल सकता है भला? एक माँ तो अपने बच्चों का हमेशा भला ही चाहेगी, और मैनू पता है कुंज सरना इसके लिए सबसे सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये मेरी बात समझे तब ना। अगर तू इसे समझा सकती है तो समझा ले। आज शाम की हाउस वार्मिंग पार्टी में मैं इसे साथ ले जाना चाहती हूँ। और एक गाल सुन, एक अच्छा सा ड्रेस आने वाला है इसके लिए, वो भी इसे ट्राई करवा लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। गुस्सा कूड़ा हुआ ये ठंडा लाऊं? चिंकी अब तू भी शुरू मत कर प्लीज। बता मुझे क्या हुआ, तेरे यूं की प्लान्स, व्हाट हैपेंड? मैं गुस्सा खुद पे हूं, आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस, माय हार्ट इज ब्रेकिंग। मुझे पता है कल मैंने एंड मोमेंट पे यूवी को डिच कर दिया, मैं नहीं भागी उसके साथ, इसकी वजह से हमारी इतनी गंदी लड़ाई हो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। पता नहीं बेचारे यूवी का क्या हाल होगा, तो सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं, मैं तो उसके फ्रेंड्स आए हूं फार्म हाउस पे उसे सपोर्ट करने। मैं पूरा भाभी आप आ गए। अटेंशन अटेंशन एवरीबॉडी, लिसन टू मी, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि युवराज लूथरा ने आप लोगों को सडनली क्यों बुलाया इस पार्टी में, राइट? सडनली दोस्तों इसलिए बुलाया क्योंकि आज युवराज और ट्विंकल का सडनली ब्रेकअप हो गया। मैं चाहता हूं तुम लोग एंजॉय करो, क्योंकि युवराज लूथरा दिल से लोगों को पार्टी देता है, और ऐसी पार्टी दोस्तों तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो आज नाचो, एंजॉय करो, तो दोस्तों इतना नाचो कि फ्लोर ही तोड़ दो। क्या फालतू की बातें करे जा रहा है तू? वापस सामने खा रही है, वो तो ब्रेकअप अनाउंस कर रहा है। तुम लोग मिलके हमारी फिरकी तो नहीं ले रहे ना? अरे फिरकी फिरकी तो मेरी ली गई है यार, लेकिन अब मैं फ्री हूँ, एकदम फ्री। और ये ब्रेकअप पार्टी मैं इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। अरे ट्विंकल इसे समझा ना यार, बेवकूफ है, इसे समझा कि अब से ट्विंकल और युवराज अलग अलग हो चुके हैं। आज से युवराज अपने रास्ते और ट्विंकल अपने रास्ते। फाइनली हमने कुछ सही करा, क्यों ट्विंकल? सही बोल रहा हूं ना? इतने साल हो गए मेरे साथ, आज मुझे यकीन हो गया कि अगर प्रलय भी आ जाएगी ना, तब भी तू ऐसी की ऐसी रहेगी, जाहिल की जाहिल। तो
तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता है क्या? हाँ? तुझे मेरे टेस्ट, मेरे स्टाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला अभी तक? बीवियां तो पति के रंग में, उनके तरीके में रंग जाती हैं, पर नहीं, तू तो वही उजड़ गवार 30 साल पहले जैसे थी, आज भी बिल्कुल वैसी, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस तेरी उम्र बढ़ी है। एक बात समझ ले, ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पंजाब मनोहर सरना का रुतबा देखेगा, और जो मीडिया वाले आएंगे ना, वो दी सरनास की रॉयल पार्टी देखेंगे। और तू मेरे इस इंपॉर्टेंट दिन की धज्जियां उड़ाना चाहती है? ये गेंदे के फूल से क्या तू ये शादी का पंडाल बनाना चाहती है? मेरे घर में ऐसे डाउन मार्केट सड़े हुए फूलों के लिए ना, मेरे घर में सिर्फ वाइट लिली और ऑर्किड्स लगेंगे, समझी? यहां के फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्या देखे? अभी शुक्र मना कि मैंने सिर्फ अभी फूलों को बाहर फेंका है। एक बात सोचा, हम कहां से आए थे? गरीबी में से, और आज मैं गरीबी में से निकल कर यहां पहुंच गया हूं। तो वही गरीबी में है, और मैं मनु से मनोहर सरना बन गया, और तो वही कुएं की मेंढक तेरी ना, कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं, मेरे नाम के बिना ना तेरा कोई वजूद नहीं है, वो ना ही कभी होगा। यही हाल तूने अपने बेटे कुंज का बना दिया है। ऐसे वो साहबजादे हैं कहां पर? वो आज सुबह ही आया था, तो सो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, वो पार्टी के लिए टाइम से तैयार हो जाएगा। ही बेटा, पूछा ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर अपनी फैमिली और ट्विंकल के साथ कुंज को देखने आ रही, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना, कुंज ने कोई भी गलती की वो तो याद रखेगा। कुड़ी बिना क्या बात है प्रणा, बहुत परेशान लग रही है। क्या बताऊं रमन, यहाँ हम सब रेडी होके वेट कर रहे हैं और ट्विंकल पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। वेरी सॉरी टू स्पॉइल द मूड जी, लेकिन फैक्ट तो ये है कि पार्टी का टाइम हो गया है, मुझे तो लगता है हम सबको लेट अस गो करना चाहिए। रही बात ट्विंकल की, उसके लिए वेट करना तो बहुत सिली होगा, शादी का नाम सुनते ही वो तो रन कर गई होगी, मेरी तो फीलिंग है उसने आना ही नहीं है। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। क्या कहा तूने? सच कह रही है ना पुत्र? देख तो फिर से कोई नौटंकी तो नहीं कर रही? अगर तू कर रही है ना तो हम सबको बता दे, क्योंकि ये रिश्ता अगर चला गया ना तो I mean it, mom. मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही। आप सब लोग तैयार होके जाइए, मैं आ रही। सच? I promise mom, I'll come. अयो रब्बा, शरीफ चोर बनता है, पहले चोरी करता है और पकड़ा गया तो गांधीगिरी पर उतर आया। ये चोर नहीं, ये तो हीरो है।
इसने तो बल्कि चोर को पकड़ा है जो मेरा बैग लेकर भाग गया था। आज अगर ये न होता तो मेरी शायद जान ही निकल जाती थी। मुझे दमे की बीमारी है, इस पंप के बिना मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। ये समझ में नहीं आया कि आप दूसरी तरफ क्यों भागे। जब चोर इनका बैग लेकर भागा तो मैंने देखा इनका अस्थमा पंप रोड पे गिर गया। मैं चोर के पीछे भागा और जब इनका बैग छुड़ाकर वापस आया तो देखा कि इनकी हालत बिगड़ चुकी थी, सांस नहीं ले पा रही थी, वैसे अस्थमा पंप की तरफ इशारा कर रही थी। इसलिए मैं दूसरी तरफ भागा और आप सब लोग मेरे पीछे। सॉरी भाई, हम सब ने आपको गलत समझा। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्लीज प्लीज। अरे अनीता जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या बात, आपको अभी शहर में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और पूरे शहर में आपके चर्चे। अरे मान गए, वैसे तो अमृतसर में सबसे बड़ी पार्टी थ्रो करने का रिकॉर्ड मेरा ही, पर ये बाजी तो आप लोग मुझसे मार ही गए। हाँ नहीं अनीता जी, हमने तो आपके बारे में बहुत सुना हुआ है। Really? Of course. अरे लीला जी, वैसे अगर मामूली लोगों के मुंह से आपने मेरे बारे में सुना है तो आई एम श्योर बहुत बुरा सुना हो, एंड दैट डजंट सरप्राइज मी, क्योंकि हम अमीर लोगों के जितने दोस्त होते हैं उतने दुश्मन भी होते हैं। एंड स्पेशली इस शहर में मेरे तो कुछ लोग बहुत बड़े दुश्मन। हम यहाँ पे दुश्मनी तो नहीं, दोस्ती करने आए हैं ना, और मेरी दोस्ती तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है। आप लीला जी से पूछ लीजिए, ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कितनी अच्छी और दुश्मनों के साथ कितनी ज्यादा अच्छी। बिल्कुल ऐसे आई, मुझे तो तेरे लिए बहुत जबरदस्त टेंशन हो रही है। सिर्फ 4 दिन बचे तेरे पास चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। अरे 4 दिन में तेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो मुंह कहाँ छुपाएगी बेबी। मेरा बेटा युवराज अभी आता होगा, आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी टू मीट हिम। ऑफ कोर्स अनिता जी, व्हाई डोंट यू गो एंड एंजॉय द पार्टी। ऑफ कोर्स, थैंक यू। आई प्लीज। लीला जी, जी सो नाइस ऑफ यू टू कम, बट आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब कुछ ठीक है ना? नहीं नहीं जी, सब बिल्कुल ठीक है। वैसे हम ठहरे रियल क्लासी लोग, हम मौका और वक्त देखकर ही अपनी नफरत और अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। ये अनीता लूथरा का तो रोज का बैड बिहेवियर है जी, प्लीज डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम एट ऑल लीला जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैसी हैं आप? पर लीला जी, ट्विंकल नहीं आई। वो तैयार होने में थोड़ा सा वक्त ले रही थी तो हमने कहा दूसरी गाड़ी से आ जाए, बस आती ही होगी जी। अच्छा प्लीज प्लीज, आई डोंट यू एंड एंजॉय द पार्टी जी। माय फैमिली ऑफ कोर्स। डैड एक्चुअली मैं बकवास बंद कर रहा हूं, तेरी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा एक एक सेकंड कीमती है, तेरी तरह मैं फजूल नहीं हूं। अंदर ना सारे गेस्ट मनोहर सरना के बेटे कुन सरना को देखने आए हैं, और कुन सरना की असलियत क्या है? ये है यार, तेरी जो हालत है ना उससे तो हमारे घर के नौकर बेहतर रहते हैं। तेरी मां और तूने ये कसम खा के रखी है कि मौका मिला नहीं हो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की। डैड प्लीज, नाराज आप मुझसे हैं, लेट मैं आया हूँ, हालत मेरी बिगड़ी हुई है, तो मॉम को बीच में क्यों ला रहे? गलती मेरी है तो जो बोलना है मुझे बोलिए, मॉम को प्लीज इससे बाहर रखिए। कुंज, इस तरह पापा से बात नहीं करते। यहाँ के किसको दिखा रहा है? डाउन
मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि तेरी माँ से मुझे कैसे बातें करनी है। क्या कर रहे हैं आप? अंदर सारे मेहमान आए हुए हैं, आप सबके सामने जवान बेटे पर हाथ उठाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी ना। आप अंदर जाइए, मैं इसे 10 मिनट में लेकर आती हूँ। 10 मिनट में मुझे ये तुम्हारी हालत और तुम्हारा ये एटीट्यूड दोनों ठीक करके पार्टी में चाहिए, नहीं तो अगली बार ना मेरा हाथ किसी पे भी उठ सकता है। कुंज, क्यों हमेशा ऐसे करती हो यार? क्यों हमेशा डैड के सामने मुझे रोक देती हो? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन आपसे ऐसे बात करते ना तो बर्दाश्त नहीं होता मुझे। वो जैसे भी है तेरे पापा है, उनकी हमेशा इज्जत करना, यही मैंने तुझे सिखाया है ना। फिर तू क्यों उनसे ऊंची आवाज में नजर मिलाकर बात करता है? तो क्या कुछ भी बोलेंगे? वो मेरे पति हैं। पति हैं तो क्या इज्जत नहीं करेंगे आपकी? मेरी इज्जत? तू मेरी इज्जत करता है ना, तो फिर मेरी बात मान, अपने पापा से ठीक से बात कर और एक वादा कर मुझसे, तू अपनी बीवी की हमेशा इज्जत करेगा। नो, मैं करूंगा, मैं उनके जैसा नहीं हूं, आपके जैसा। इससे ज्यादा खुशी वाहेगुरु मुझे क्या दे सकते हैं कि मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है। चल अब जाके तैयार हो जा, मेरे पापा ने 10 मिनट दिए ना तुझे। 8। 8? 2 मिनट माँ बेटे के इमोशनल सीन में निकल गए। ट्विंकल से पहले मिल चुके, उसको मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी ट्विंकल से ही होगी। सरना, वेल, ये है मेरा चार्मिंग एंड डैशिंग बेटा युवराज, माय प्रिंस। आप जानते हैं इस शहर का सबसे बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन है ये। इससे बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन आपको पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा। हेलो अंकल, नाइस टू मीट यू। आपके बारे में सिर्फ अभी तक सुना था, आज देख भी लिया। आपकी इस ग्रैंड पार्टी से आपकी स्टेटस और आपकी क्लास का अंदाजा हो ही गया। आप भी एकदम खानदानी है, जैसे कि हम लूथराज। आई लाइक इट। दैट्स माय सन कुंज। एक्सक्यूज मी। तुम दोनों बच्चे आपस में बातें करो, मैं अपनी फ्रेंड्स को हेलो हाय करके आती हूँ। No thanks. मैं ये बच्चों वाली ड्रिंक्स नहीं पीता। I'm a grown up boy. I like my alcohol. Fair enough. वैसे मेरी चॉइस और टेस्ट मेरे मूड पे डिपेंड करता है, यू नो। Having a drink is like losing senses. अब अल्कोहल में नशे के अलावा तो और कुछ है नहीं, और मुझे नशा पसंद नहीं। सही कहा तुमने, मुझे भी नशा बिल्कुल पसंद नहीं है, जस्ट लाइक यू कुंज। इंसान अक्सर नशे में अपने होश खो बैठता है, सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। नशे में इंसान कुछ भी सही नहीं कर सकता और खुद से अपनों को भी दूर कर देता है। बट आई एम हैप्पी कि तुम ऐसे नहीं हो कुंज, एंड आई एम ग्लैड कि हम दोनों की थिंकिंग इतनी मिलती है। मेरी लाइफ पार्टनर वही होगी जो हर चीज में मेरी पार्टनर हो, खुशी में, दुख में, अच्छे में, बुरे में। क्योंकि अगर दोस्ती अच्छी हो ना तो लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यार, प्यार दोस्ती है। एंड युवराज जी, आपके लिए प्यार क्या है? लव, लव इज फायर। प्यार एक आग का दरिया है, प्यार में पड़ना और प्यार को निभाना एक आग का दरिया पार करने जैसा होता है, जो हर किसी की बस की नहीं। You need to be a daredevil for that. और आपके लिए ट्विंकल प्यार क्या है? Love is pain.
प्यार तो आपकी जिंदगी से जा सकता है, लेकिन दर्द आपके दिल से नहीं जाता। दो लोग मिलते हैं, पास आते हैं, साथ सपने देखते हैं, बहुत सारे अच्छे मोमेंट स्पेंड करते हैं। पर रहने का मेरे बिना कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। Leave me alone। तो तू खुश है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुझे। ये राइट तू खो चुका ही हो। बड़ी शान से बोला था ना, ये तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फीलिंग्स ही नहीं है मेरे लिए, तू क्यों रोक रहा है मुझे? पायतक, मुझे भी ना तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। I'm sorry. बस कर यूवी, और तकलीफ मत दे तू मुझे। यूवी बाबा तो अंदर है ना, हाँ मैम आप चलो, मैं बस अभी आया। जल्दी से आजा बेबी, ठीक है? ट्विंकल मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता यार, तू इमेजिन भी नहीं कर सकती व्हाट आई वेंट थ्रू जब मैंने तुझे उस कुंज सरना के बाहों में देखा। तब मैं रियलाइज कर लिया था कि अगर तेरी सच में शादी होगी ना तो मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत हर्ट था। हर्ट तो मैं भी हुई थी ना यूवी, लेकिन मैं वहां आई सब कुछ रिजोल्व कराने, तुझे रियलाइज कराने कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते। बट तू तो अपनी ब्रेकअप पार्टी एंजॉय करने में बिजी था। इतनी स्टूपिड हूँ ना मैं, सोचती थी कि तू मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकता, तूने तो मुझे बहुत हर्ट किया। I was angry यार ट्विंकल, मैं नशे में था, मुझे नहीं पता मैंने क्या कुछ बोल दिया उस दिन। ट्विंकल प्लीज यार मुझे माफ कर दे यार। वाह, जब तेरा मन करेगा तू रिश्ता तोड़ के चला जाएगा, जब तेरा मन किया वापस पैसा फिरने आ गया, ऐसे नहीं होता। और इस बार ना मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, इट्स ओवर। हो गया हूं मैं पागल, तेरा दिल दुखाया ना मैंने, अब उसकी सजा तो मिलनी चाहिए मुझे। और जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी ना ट्विंकल, मैं अपने आप को हर्ट करता रहूंगा। कर दिया माफ, तुझे दर्द में नहीं देख सकती हूँ भी। ट्विंकल मैं भी तुझे दर्द में नहीं देख सकता यार। बस इतनी सी तमन्ना है तेरे रंग में ही रंग जाऊं, बस इतनी सी तमन्ना है तेरे रंग में ही रंग जाऊं, रहूं ना मैं जरा मुझ में तेरी हो के ही रह जाऊं। किसी से ना कहा है जो तमी से बात वो कह दूं, सभी देते हैं दिल अक्सर मैं तुझको जान भी दे दूं, ये है सुकून ये है जुनून ये तश्ने। लेकिन अब क्या होगा यू, मैंने तो गुस्से में मॉम को बोल दिया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तू टेंशन क्यों ले रही है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। तूने 49 लड़कों को भगाया है ना, अब हाफ सेंचुरी होने वाली, 50th को भी तो भगाएगी। टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री,
मेरी मॉम होगी। ट्विंकल पुत्तर, तू अंदर है ना पुत्तर? हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। छेती छेती आ जा पुत्तर। ओह माय गॉड, तू यहाँ पे क्या कर रही है? यही सवाल मैं तेनू पूछूं, तू ऐथे क्या कर रही है? वे, मेरा बेटा अंदर बाथरूम है, इसलिए मैं यहाँ पे। ओए, पी रखी है क्या? मेरी बेटी अंदर है, अभी अभी मैंने उससे बात की है। पी तो तूने रखी है। मेरा बेटा वाकई अंदर है, अभी दो मिनट पहले मैंने उससे बात की है। तो तू कहना क्या चाहती है? तेरा बेटा और मेरी बेटी? इम्पॉसिबल। मेरी बेटी तेरे बेटे को हेट करती है। हेट? रियली? तो वैसे मेरा बेटा कौन सा तेरी बेटी की राहों में फूल बिछाने के लिए यहाँ बैठा है? He also hates her equally, okay? वही अंदर है, फाइनल। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तेरा बेटा अंदर है या मेरी बेटी? फाइन। ट्विंकल पुत्तर, जरा हेलो बोल पुत्तर। युवी, युवराज, ट्विंकल पुत्तर, कुछ तो बोल। ट्विंकल, तो फिर क्या? एक्सक्यूज मी, या हेलो सर, यू वोंट बिलीव आवर शेयर प्राइस हैज गॉन ट्रिपल व्हाट इट वाज, एंड वी आर नंबर वन इन द मार्केट राइट नाउ। थैंक यू, थैंक यू। तो क्या सोचा तुम दोनों ने? लीला जी, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब आप ट्विंकल से पूछ लीजिए, कुंज की तरफ से हार, कुंज मेरी बात नहीं टाल सकता है। राइट कुंज? राइट डैड। ओ जी, पूछना क्या है? मैं इसकी माँ हूँ, इसका चेहरा देख के पढ़ लेती हूँ इसके दिल में क्या है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसे भी कुंज पसंद है। लेकिन सबके सामने हाँ बोलने से शर्मा रही है। छी छी ट्विंकल, कितनी गंदी बातें कर रही है तू। एक बार सोच तो ले, तू अपने माँ के नाल बात कर रही है। माँ इस वे, और ये सब गंदी गंदी बातें मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब गंदी गंदी बातें उस कुंज ने मेरे साथ करी। मैं तो खुद ही शॉक में हूँ, कितना चीप लड़ता है वो। वाह वाह ट्विंकल, इस बार तो तूने गेम प्लान ही बदल दी ना। ये क्या कह रहे हो मामा? तू चंगी तरह जानती है कि मैं क्या कह रही हूँ और तू क्या बोलना चाह रही है। फिर से शुरू हो गई ना तेरी नौटंकी। हर बार तो तू लड़कों को भगा देती है, इस बारी तूने देखा कि ना लड़का भागा ना लड़के दी फैमिली। आगे से हाँ कह दिया उन्होंने तो तूने अपना फॉर्मूला ही बदल दिया। ओ। और उस बेचारे सोने से कुंज के बारे में इतनी वाहियात बातें करके तेनों की लगता है कि मैं इस रिश्ते के लिए ना कह दूंगी? रब दी सो मम्मी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, अब मेरा बिलीव तो करो। मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रही हूँ जो सब मेरे साथ हुआ है। बस इनफ इज इनफ ट्विंकल। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।